कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों को मिलने वाली विकास निधि पर रोक लगा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नगर निगम मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल जनता के द्वारा टैक्स के नाम पर जमा किया गया सरकारी धन नगर निगम पार्षदों को हवाई सैर कराने में खर्च कर रहे हैं। मुरादाबाद के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक हफ्ते के लिए कैंप लगाया गया है। इस कैंप में 3500 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च पर हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद की 15 मिनट की आसमानी सैर कराई जा रही है। मुरादाबाद नगर निगम के पार्षद की बात मानी जाए तो नगर निगम के 11 पार्षदों को आज मेयर विनोद अग्रवाल ने सरकारी पैसे से हेलीकॉप्टर से मुरादाबाद की हवाई सैर कराई। पार्षदों का कहना है कि मेयर साहब ने उन्हें कहा कि वो आसमान से अपने अपने वार्ड का निरीक्षण कर लें। अब मेयर साहब को हवाई निरीक्षण ही कराना था तो वो ड्रोन कैमरे से आसमानी विजुअल बनवाकर पार्षदों को दिखवा सकते थे। जब इस बारे में मेयर साहब से संपर्क करना चाहा तो उनका फोन ऑफ आता रहा। देखिए बहुत ही बढ़िया है, अच्छा अनुभव रहा और शहर मुरादाबाद के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज शहर मुरादाबाद के सम्मानित पार्षदगण यहाँ पर एक साथ शहर का भ्रमण के लिए निकले और अपने अपने वार्ड के ऊपर से उन्होंने लोकेशन देखी। मतलब ये मानिए एक नया अनुभव था पार्षदों के लिए जी जी। और ये सारा श्रेय आता है हमारे मेयर साहब को, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि हम सबों को एक साथ घूमने के लिए हमें तैयार किया और एक ये पैकेज बनाया टूर जिससे हम आज घूम रहे बात जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब का। एक नयापन हुआ है जी सर। नाम आपका सर? कुलदीप नारायण सिंह, जिनगर से बाड़ा एक नया एक अनुभव हुआ है जी। इसके लिए मेयर साहब का हृदय से आभार है जी जी। और जो कंपनी हेलीकॉप्टर लाई है जिसने सब पार्षदों को और मुरादाबाद की जनता को ये एक तोहफा सा दिया है जी जी, उसके लिए इनका भी आभार है कि ऊपर से जो है हवाई सर्वे से मुरादाबाद का पहली बार जी भ्रमण किया है, दर्शन किया है, उससे व्यवस्था भी देखी है जी। जो हमें कमियां दिखाई दी है उन्हें पूरी करने की हम कोशिश करेंगे जी जी जी। अच्छा, आज से पहले कभी किसी पार्टी में या कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ है ऐसा? कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है मुरादाबाद में फर्स्ट जी जी।